अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रज़ालाज किचन। आज मैं बना रही हूँ खोपरे का मीठा। मीठे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन खोपरे का मीठा ज़रा कम खाया होगा, और इस रेसिपी से तो शायद ही खाया हो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इस रेसिपी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊँगी। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं फिर हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो खोपरे लिए हैं। खोपरे आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरे खोपरे हैं, पीले खोपरे नहीं लिएगा बिल्कुल भी। खोपरों को कद्दूकश करना है, और जितना हम बारीक कद्दूकश करेंगे उतना ही हमारा मीठा अच्छा बनेगा, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास कोई मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही कद्दूकश किया है इसको। ये देखें आप, बिल्कुल बारीक खोपरा हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। दूध मैंने 2 किलो लिया है, आधा किलो खोपरे के लिए 2 किलो दूध है। दूध आपने अच्छा वाला इस्तेमाल करना है, पानी वाला दूध ना हो। दूध में जब उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें खोपरा डालेंगे। खोपरा आप देख रहे हैं कितना बारीक हुआ हुआ है, दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके खोपरा शामिल करेंगे। सारा खोपरा एकदम नहीं डालना है क्योंकि दूध हमारा एकदम से बाहर आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि ये नीचे बैठता जाए। दूध की आंच आपने हल्की रखनी है क्योंकि आपको पता है दूध उबलते देर नहीं लगती। ये सारा खोपरा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसमें हल्के हल्के हाथ से हम चमचा चलाएंगे ताकि खोपरा हमारा सारा मिक्स हो जाए दूध के अंदर, अच्छी तरह से भीग जाए बिल्कुल। अब हम इसको पकाएंगे, और हमें इतना पकाना है कि दूध हमारा सारा खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच करके आप छोड़ दें, और थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसमें चमचा चलाना है, भूल नहीं जाना क्योंकि दूध हमारा उफनते देर नहीं लगती। साइडों से इसमें चमचा चलाते जाएंगे क्योंकि हमारी मलाई इसके अंदर थोड़ी चिपक जाती है, मलाई को साथ साथ हटाते जाएं वरना ये सूख जाती है बाद में। दूध हमारा पकता जा रहा है और खुश्क हो रहा है, बिल्कुल खुश्क करना है दूध को। जब दूध हमारा खुश्क होगा तो थोड़ी सी इसमें चिकनाहट आने लग जाएगी। इसमें तेल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब इसी स्टेज पर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी इसमें मैंने आधा कप डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने आधा कप डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं चीनी का। तो अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके अंदर थोड़ा सा दूध बचा है, हम ऐसे ही इसको हल्की आंच पर पकाते रहेंगे, और चमचा लाजमी चलाते रहें, ये नहीं कि आप चढ़ा के छोड़ दें, ताकि इसका अच्छी तरह से दूध हमारा जल्दी खुश्क हो जाए। इस मीठे के मैंने कहा था आपको कि फ़ायदे बताऊंगी, तो फ़ायदे इसको ये हैं कि कमज़ोरी को दूर करता है। अगर
अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप लाजमी ये बनाकर खाएं, आपकी नज़र में फ़र्क पड़ेगा। जिस्म की हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। ये देखें, दूध हमारा बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है और हल्की सी चिकनाहट इसमें आती जा रही है, क्योंकि कोपरा जो है वो भी ऑयल छोड़ता है। तो चेक करने का तरीका यही है कि आप इसको तो बीच में से थोड़ा सा हटाएं, आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट जंक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मुझे इसमें बादाम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें बादाम का इस्तेमाल किया है। और ये हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। और इसकी जो खुशबू है खोपरे की, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो जनाब, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें दूध नहीं है, बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह से, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और आपका दिल करेगा दोबारा बनाने को भी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।